हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम इससे पहले मैं 11th क्लास के एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आपने देख भी लिया होगा। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। यानी चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है रासायनिक बलगति की, इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। नहीं तो पहले तो बात यही है कि जो चैप्टर का नाम है उसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है, कि रासायनिक बलगति क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। नहीं तो ये यानी कि रासायनिक बलगति के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी अभिक्रिया का जो वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उस अभिक्रिया का जो क्रियाविधि है उसको ही हम क्या कह देते हैं, मतलब वो सब क्या आता है, एक रासायनिक बलगति के अंदर ही आते हैं वो सब, ठीक है। नहीं तो अब इस चैप्टर का जो पहले ही हेडिंग है वो है यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि हमने कहा कि अभिकारक या उत्पाद की क्या हुआ, यानी कि अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता के जो परिवर्तन की जो दर है उस दर को ही हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, अभिक्रिया का वेग बोल देते हैं, ठीक है। नहीं देखो सिंपल सी बात है कि परिवर्तन की दर की, अब उसको हम समझ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर कोई एक रिएक्टेंट था, यानी अभिकारक था यहाँ पर। अब जैसे अभिकारक की सांद्रता यहाँ से घटेगी तो प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ से ये इसकी सांद्रता घटती जाएगी तो प्रोडक्ट की सांद्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी अब दोनों की सांद्रता में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, यानी परिवर्तन हो रहे हैं। तो यो परिवर्तन की जो दर है यानी कितने समय में हो रही है, तो इसको ही हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। नहीं अब आगे जानने के लिए देखो, अब क्या है इसकी, माना अभिकारक आर का एक मोल ले लिया हमने, उत्पाद पी का भी हमने एक मोल ले लिया, ठीक है। नहीं हमने माना कि किसी समय टी पर हमने कहा कि आर तथा पी की जो मोलर सांद्रताएं हैं, अब देखो समय कोई टी समय गुजरा, यानी कि एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड जो भी होगा वहां पे, ठीक है। नहीं कि कुछ समय गुजरने के बाद क्या होगा कि जो सांद्रता थी, पहले सांद्रता क्या थी, हमने कहा आर वन और तथा पी वन, यानी रिएक्टेंट की क्या है आर वन है और प्रोडक्ट की क्या है पी वन है। उन्होंने कहा कि जब टी टू समय आता है, यानी कि अब टाइम और बढ़ गया, ठीक है। नहीं टी टू समय आता है तो उन्होंने कहा कि उनकी जो सांद्रताएं हैं वो क्या होती है, आर टू और टी टू होता है। तो इन दोनों के बीच में जो यानी कि समय का अंतर देखेंगे और जो आपका रिएक्टेंट है उनकी सांद्रता का अंतर देखेंगे और प्रोडक्ट की सांद्रता का अंतर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे डेल्टा टी निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा टी बराबर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। नहीं डेल्टा पी, डेल्टा आर बराबर आर टू माइनस आर वन, और डेल्टा पी बराबर होगा यहाँ पर पी टू माइनस पी वन। तो अब हम करते हैं कि अभी जो अभिकारक आर की जो विलोपन की जो दर है वो निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखो आर की जो सांद्रता में कमी आई, अब देखो आर की सांद्रता में कमी आएगी तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आर की सांद्रता में कमी कब आएगी, उस कमी आने के लिए कुछ समय भी लगा होगा, तो अपॉन में क्या रहेगा वहां समय अंतराल। हमने उन दोनों का अंतर निकाला था जिसकी यानी कि सांद्रता में जो कमी का अंतर देखा था वो कितना आया था वहां पर, डेल्टा आर आया था आपका, भी पीछे मैंने अभी बता ही था आपको, ठीक है। नहीं और समय अंतराल हमारा कितना था वहां पर, डेल्टा टी था। और यहाँ पर माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो सांद्रताएं है यानी रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो घटती है, वो इसलिए, ठीक है। नहीं ऐसे हम उत्पाद की दर भी निकाल सकते हैं कि पी की सांद्रता में वृद्धि, अब जो पी की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है वो यानी डेल्टा पी, और जो उस सांद्रता बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा तो उस समय का अंतराल, देखो अब समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर साइन प्लस का होता है, ठीक है। नहीं वो प्लस आप दिखा भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्यों आया, ये प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ती है, ठीक है। नहीं रिएक्टेंट की तो घटेगी और प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तभी तो अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। नहीं तो इसी तरह आप क्या करते हैं कि अभिक्रिया का हम वेग निकालते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो हम अभिक्रिया का वेग ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर यानी कि रिएक्टेंट की जो सांद्रता में कमी आई वो भी हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग ही है, या प्रोडक्ट की सांद्रता में जो वृद्धि हुई है वो भी हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग ही है, ठीक है। नहीं यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ निकाले माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी बराबर अपॉन डेल्टा टी के है। तो वो हम जान चुके थे कि वहां पर अभिक्रिया का वेग क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अभिक्रिया का औसत वेग, यानी कि अभिक्रिया का यानी कि हम बोल सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नहीं तो यहाँ होता क्या है कि निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की जो मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, यानी कि निश्चित समय के बाद यानी कि जो अभिक्रिया अभिकारक या आपका उत्पाद जो है उनकी जो मोलर सांद्रता में जो चेंजेस आता है वो उस चेंजेस को हम कहते हैं औसत वेग, यानी वही क्या होता है वो औसत वेग, उसके यानी कि जितना भी चेंजेस हो रहा है वही औसत वेग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है,
ठीक है। नहीं, अब औसत वेग का फॉर्मूला क्या है कि औसत वेग का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, यानी जितनी भी मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन वहां पर हुआ, यानी कि अब वहां पर अगर हमारा रिएक्टेंट है तो घटेगी, प्रोडक्ट है तो बढ़ेगी। यानी अब वो कह रहा है कि उसमें जो वो चेंजेस आया वो अपॉन समय अंतराल, यानी कि जो समय का अंतर आया वो। तो हमने कहा कि ऊपर सपोज हमने मान लिया कि वहां क्या अंतराल है, समय जो सांद्रता है उन सांद्रता में जो अंतराल आया हमने माना डेल्टा एक्स आया वहां पे, और जो हमारा समय अंतराल है वो डेल्टा टी है। तो यानी रेट हमने बोल दिया है एवी, एवी का मतलब एवरेज, ठीक है। नहीं तो यहाँ रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि सिंपल सी बात करें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाता है हमारा औसत वेग हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अब हम पढ़ चुके थे यहाँ पर औसत वेग, अब बात करते हैं यहाँ पर तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। नहीं अब इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है कि अब सिंपल सी बात है दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी निश्चित समय टी पर, अब समय मान लिया निश्चित समय है, यहाँ पर फिक्स समय कर दिया, देखो लगा किसी निश्चित समय टी पर तात्क्षणिक वेग एकांक समय में, कितने में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की मूल सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। आ रही है बात समय, नहीं तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर तात्क्षणिक वेग बोल दिया, ठीक है। नहीं अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब निकालते कैसे फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला यहाँ है, देखो हमने कहा रेट इंस्टेंटेनियस दिया हुआ है आपको, तो बराबर होगा ये माइनस डी आर अपॉन डी टी के। अब ये माइनस डी, अब डी यहाँ क्या कर रहा है, डिफरेंस पे तो बता ही रहा है आपको, लेकिन बात ये है कि कह रहा है कि बहुत कम समय में, एक सूक्ष्म समय के अंदर, बहुत ही कम समय में, ठीक है। नहीं इसी सांद्रता घटी है रिएक्टेंट की और इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर दूसरी बात क्या है, किसी निश्चित समय टी पर तात्क्षणिक वेग एकांक समय में, नहीं एक समय में, सिर्फ एक ही समय में अभिकारक या उत्पाद की जो मोलर सांद्रता में परिवर्तन होता है वो क्या होता है हमारा तात्क्षणिक, यानी कि वो परिवर्तन क्या होता है उसी तात्क्षणिक वेग कहलाता है हमारा, यानी वो जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। निकालते कैसे फॉर्मूला यहाँ पर है कि माइनस डी आर अपॉन डी टी डी पी अपॉन डी टी के, ठीक है। नहीं अब एक यहाँ पर नोट में यहाँ लिख भी दिया है कि ये जानकारी के लिए कि यदि डेल्टा टी का मान, अब देखो क्या है, यदि डेल्टा टी का मान कम हो जाता है, ठीक है। नहीं यदि डेल्टा टी का मान कम हो जाएगा तो समझ लेना कि वहां पर जो औसत वेग है और तात्क्षणिक वेग है इन दोनों के जो मान होंगे वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ दिया है क्वेश्चन, दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से जल बनने की जो दर है वो O2 के घटने की दर के मध्य संबंध बताना है यहाँ, यानी कि यहाँ जल तो बढ़ना है लेकिन जब वो बढ़ा कब, जब O2 यहाँ पर घटा होगा, यानी O2 की सांद्रता क्या होगी, यहाँ कम हुई होगी। जब आप ये इक्वेशन हमें दी हुई है तो वो क्या रहा कि जब सी कंसेंट्रेशन कम हुई तब जाके वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हमें इनके मध्य क्या दर्शाना है, संबंध दर्शाना है। देखो हमने अगर संबंध दर्शाते हैं कि यहाँ देखो माइनस डेल्टा O2 अपॉन, मान लो डेल्टा टी समय में हुआ है, माना क्या कि सब कुछ समय तो लिया ही होगा, डेफिनेटली बात है बराबर। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कितने मोल बढ़ने वाटर के, दो ऑप्शन बता दें कि मोलस में, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस एक बटा दो डेल्टा एस टू ओ अपॉन डेल्टा टी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है। कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि अभिक्रिया अभिक्रिया N2 प्लस 3S2 और 2NH3, यानी कि वहां पर अमोनिया बननी है, के लिए NH3 के बनने की दर तथा S2 के घटने की दर किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन सेम वही है जो इससे पहले हमने किया, क्वेश्चन सेम वही है, अब किस प्रकार संबंधित है वो हमें यहाँ देखना है। आप लगाओ देखो, अगर आपको होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप सिंपल सी बात है, रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन को देखने के बाद आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे हमने कहा कि इन्होंने बोला है कि H2 के घटने की दर, यहाँ से क्वेश्चन को लेने पहले से, नहीं अब H2 क्या है मेरा, यहाँ रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में नेगेटिव का साइन होगा, तो यहाँ करेंगे माइनस डेल्टा H2, ये आ गया हमारा अपॉन
यानी अब देखो इसके मोल कितने, सॉरी इसके मोल देगा कितने मोल, तो 1/30 जितने मोल लिया वो ऐसे लिखेंगे और कितना माइनस का यहाँ पर साइन आएगा, ठीक ये हो गया अपॉन डेल्टा टी, यानी टी समय अंतराल में कुछ तो घटेगा बराबर। इसके बाद देखो क्या करना है, अब अमोनिया यानी प्लस कितने मोल बने यहाँ पर 2, यहाँ पर अब अमोनिया देखते हैं डेल्टा NH3 इसको ब्रैकेट में लिया अपॉन परोबेट यहाँ पर समय कितना लगा डेल्टा टी। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में संबंध बताना था। अब देखो क्या किया मैंने, हम इसके सापेक्ष निकालो अमोनिया के, अब देखो अमोनिया के सापेक्ष, ठीक है हमने बोला डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के। अब देखो ये क्या है, ये गुणा में है तो डेल्टा के क्या होगा, इसके डिवाइड में जाएगा तो यानी कि 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ बन जाएगा -2/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों के बीच में सिर्फ यही संबंध है और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने के आप जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है नहीं। तो अगर आपको किसी भी तरह से यहाँ पर कोई क्वेरी है, मैंने बीच में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो धन्यवाद इसके।